घमासान.com आइए रूबरू करते हैं बॉलीवुड की कुछ खबरों की ओर। संजय दत्त लेकर आ रहे हैं एक ऐसी फिल्म जो अपने पूर्वजों के ऊपर है, लेकिन देखना यह है कि संजय दत्त इसमें कौन सी भूमिका में होंगे, क्या होगा इस फिल्म में, कब होगी रिलीज, देखिए इस खास रिपोर्ट में। संजय दत्त की आने वाली फिल्म कलंक है। संजय दत्त ने अपने निर्देशन करियर को लेकर कहा है कि वे अपने पूर्वजों पर फिल्म बनाना चाहते हैं। संजय ने बताया कि वह एक ऐतिहासिक विषय पर बनी फिल्म होगी। इसकी कहानी उनके पूर्वज माहौल के बारे में होगी, जो हुसैनी क्षत्रिय ब्राह्मण थे। उन्होंने पैगंबर के पोते के लिए करबला का युद्ध लड़ा था। फिल्म में अपने रोल को लेकर संजय ने कहा कि फिल्म में वह खुद राहिब सी दत्त का किरदार निभाना चाहेंगे, जो कि माहौल के लीडर थे। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी पर काम चल रहा है। गौरतलब है कि कलम फिल्म में संजय दत्त बलराज चूकी की भूमिका निभा रहे हैं। बलराज दत्त संजय दत्त के पिता सुनील दत्त का पूरा नाम है। ऐसे में संजय के लिए काफी खास मौका होगा कि उनके पापा के नाम से किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। बता दें कि संजय दत्त फिल्म कलम को लेकर उत्साहित है, हालांकि फिल्म में वह गंभीर भूमिका में है। साथ ही इस फिल्म को लेकर उनकी चर्चाएं भी इसलिए खूब हो रही है क्योंकि फिल्म में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित लंबे समय के बाद साथ काम करने जा रहे हैं। हम ऐसी ही जानकारी हर रोज आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।